वीर भाई अब आप लिखो और बुलबुल भाभी अब आप बताओ। कर्मी फेवरेट ड्रिंक फ्रूट जूस। दूसरा खाना तो कब से ऑर्डर कर दिया था, फिर डिलीवरी वाला अब तक आया क्यों नहीं? कुछ तो बात है जो वीर और वायु इशारों में कर रहे हैं, पर क्या है? अब दोनों का स्कोर टाई है, सेम यानी कि जीरो। अब दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते। इनका प्यार थोड़ी ना होना था आपस में। अरे बहू की बड़ी बहन और वीर का ब्याह तय हुआ था, पर एन वक्त तो दुल्हन ही बदल गई। ये सब इतनी जल्दबाजी में हो गया कि एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, जीजो सा को जानने की बात अलग है, हालात अलग है, और पति को जानने की बात अलग। एंड आजकल तो छोरा छोरी पहले मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, फिर प्यार व्यार करते हैं, फिर ब्याह होता है, ऐसे थोड़ी होवे है। ऐसे रिश्ते का टिकना जरा मुश्किल है। रेल की पटरी की तरह दोनों सीधे तो चलते हैं, पर कभी मिलते नहीं हैं। रेल की पटरी की मंजिल तो एक ही है ना चाची सा? ये जरूरी नहीं है कि अगर दो लोग एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं, बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, तो उनके ब्याह में कोई परेशानी नहीं होगी और उन्हें एक दूसरे की एक एक बात पता होगी। कई बार तो आपके अपने ही आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें छुपाते। शादी से पहले लोग अपनी अच्छाइयां बताते हैं, लेकिन शादी के बाद उनकी कमजोरियों को समझकर उनका साथ निभाना बहुत जरूरी है। शादी से पहले तो लोग बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, लेकिन शादी के बाद उन वचनों को निभाना बहुत जरूरी है। लोग सात जन्मों की बात करते हैं, लेकिन शादी के सात फेरों का मतलब पहले समझना बहुत जरूरी है। शादी को समझौते से नहीं, समझदारी से चलाना बहुत जरूरी है। हाँ, हो सकता है थानेदार साहब को हमारा फेवरेट रंग ना पता हो, लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकलते वो हमारी मांग लाल सिंदूर से भरना नहीं भूलते। हो सकता है उन्हें हमारा फेवरेट मौसम ना पता हो, लेकिन वो हर हाल में हमारे को मान देना नहीं भूलते। मैंने शादी के पवित्र मंडप में पूरे होशो हवास में बुलबुल की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। दृष्टि, बुलबुल अब मेरी पत्नी है, उसकी जगह अपने जीवन में और इस रिश्ते में किसी और को नहीं दे सकता। थानेदार साहब को बहुत अच्छे से पता है कि मारे को किस बात का बुरा लग सकता है, और मारे बिना कहे वो उसे ठीक कर देते हैं। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं कोई बात को लेकर उदास हूँ तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे लानी है। और अगर मैं किसी मुसीबत में हूँ मुझे कैसे बचाना है? कई बार एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने में तो सारी उम्र निकल जाती। हमारे को इस बात की खुशी है कि हमारे पति हमारे पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं।
गहरे विश्वास का बोझ बहुत भारी पड़ जाता है। और उसे टूटने से पहले एक बड़ा कदम उठाना बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ भी हो जाए लेकिन एक रिश्ते में विश्वास को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। मुझे बहुत गर्व है और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मारे को इतना अच्छा सासरा मिला, इतने अच्छे पति मिले। शायद खाटू श्याम जी ने मारी किस्मत सुनहरे कलम से लिखी है। और कोई भी रिश्ता सच्चाई और सम्मान से बनता है, ऐसे रंगों के इम्तिहान से नहीं। तुमने भी कोई कम इम्तिहान नहीं दिए हैं बुलबुल। तुम्हें याद है वो शादी की पहली रात जब तुम इस घर की दहलीज पर खड़ी थी और सारे परिवार वालों ने तुम्हें अपनाने से मना कर दिया था, फिर भी बुलबुल तुमने इस परिवार को अपनेपन से अपनाया। जब ये परिवार तुम्हारे भोलेपन को समझने में नाकाम रहा, फिर भी तुम इस परिवार के साथ डटकर खड़ी थी बुलबुल। इस परिवार को प्यार और अपनेपन से संजो के रखा था। सही मायने में तो वचन तुमने निभाया बुलबुल हमारी शादी के। इस शादी और हमारे इस रिश्ते की डोर को तुमने कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दिया बुलबुल। I'm proud of you। काश मैं आपकी बात सच कर पाती थानेदार साहब, लेकिन आज मुझे अपनी शादी के वचनों और आपके भरोसे में से किसी एक को तोड़ना होगा। मुझे खुशी है बुलबुल कि तुम मेरी पत्नी हो और पति और पत्नी के इस पवित्र रिश्ते में पूरी उम्र तुम मेरे साथ बराबर खड़ी रहने वाली हो। मुझे खुशी है कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगी और मुझे खुशी है कि बुलबुल वीर का कभी भरोसा नहीं तोड़ेगी। देखा सुलक्षणा, देखा थारे बेटे ने क्या कहा और अपनी बीनड़ी ने देखा कैसे अपने परिवार के लिए एकदम चट्टान बनकर खड़ी रही। इस छोरी में उन्हें थारी झलक दिखे। भगवान जी का लाख लाख शुक्र है कि ये इस घर की बीनड़ी बनी। कितनी अच्छी जोड़ी है इन दोनों की, दोनों एक दूसरे को कितना मान देते हैं। भगवान इन्हें बुरी नजर से बचाए। यहाँ मैं बुलबुल को इस घर से आउट करने की कोशिश कर रही हूँ और ये एग्जाम में तक भी पास हुई नहीं और यहाँ सारी वाहवाही लूट रही है। इन सब खेलों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे जीवन नहीं कटता, ये सिर्फ खेल है। इसे जाने दो, ये तुम और मैं हैं, हम इसे मिलकर संभाल लेंगे बुलबुल। अब खेल तमाशा और इधर उधर की बातें हो गई हो तो खाने का वक्त हो गया है, मैं खाना लगवाती हूँ। माँ, चल। माँ, इतनी जल्दी खाना? इतनी जल्दी? अरे मैं सोच रहा था वो क्या सोच रहा था? ये मेरा घर है, यहाँ मेरे नियम चलते हैं। तेरा थाना नहीं है जो तेरे नियम चलेंगे। और वैसे भी पहली बार बुलबुल बींदनी ने अपने हाथों से खाना बनाया, वो भी अकेले। उसके हाथ का स्वाद अभी हम चखेंगे, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। खाना अभी तक नहीं आया, मुझे इन लोगों को कुछ देर और रोकना होगा। बुलबुल ने खाना बनाया, लो फिर तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अपना काम तो उसने खुद ही खराब कर लिया और इस घर से निकाले जाने का इंतजाम भी।
खाना चखते ही सबको पता चल जाएगा कि वो कितना खराब बना है। कितने बेइज्जती के बाद माँ साहब मन्ने घर से खुद निकाल देंगी और थानेदार साहब को नाबालिग लड़की से शादी करने की सजा भी नहीं मिलेगी। बेटा दिया है बिंद्री का भी तो कुछ खास होना चाहिए। हाँ हाँ बहू, थारा भी एक डांस वीर के साथ होना चाहिए। जी क्यों नहीं। हमारी एंगेजमेंट पर वीर को अपने साथ डांस करवाने के लिए मुझे उसे कितना मनाना पड़ा था और आज फूल के लिए वो खुद डांस करने के लिए तैयार हो गए। लागे तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे कि यारे जो भी तूने कैसे किया रे जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे तू मेरा कोई ना लागे अपना बना ले पिया अपना बना ले मुझे अपना बना ले पिया छूने से तेरे फिकी रुतों को रंग लगे तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को इस बच्चों को देख के ना मन्ने अपने पुराने दिन याद आ गए। आज वही पुराने दिन फिर से एक बारी जी ले क्या? पत्रकार साहब, अब आप नाना और दादा दोनों बन चुके हैं। आज इस नाना और दादा को फिर जीने की तमन्ना है। टांग 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 टांग।